नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564905096906089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स हैं गवर्नमेंट की जितनी भी लीडिंग वेबसाइट्स हैं और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहां पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी सीएससी उसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही के दृष्टिकोण से ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को जो इसकी पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी, उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर ले जो जिसका एड्रेस यहाँ पर शो हो रहा है। साथ ही हमारा इंस्टा का पेज भी फॉलो कर ले क्योंकि वहां पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी मटेरियल आप लोगों को उपलब्ध कराया जाता है उसको आप एक्सेस कर पाएंगे। तो आइए देखेंगे किन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं। फिर से रेपिटिशन है, लगातार वही टॉपिक्स चलते रहते हैं। इसी तरीके से कोई भी टॉपिक जो है वो इवॉल्व होता है क्वेश्चन के लिए यूपीएससी में, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला टॉपिक है आज का, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ इन द कंट्री। मैं हमेशा ह्यूमन रिसोर्स के सर्कल की बात करता हूं कि कोई भी एक बच्चा या बच्ची जब जन्म लेती है तो वो उसको बर्थ कौन देता है, उसको जन्म कौन देता है, माँ। तो एक स्वस्थ माँ मदर और एक स्वस्थ चाइल्ड वो मिलके क्या बनाएंगे, वही तो मिलके देश का भविष्य बनाएंगे, वही जो है आपका क्या बनाएंगे, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल, नेशनल कैपिटल, वही तो उसको फॉर्म करेंगे। इसलिए हमारा फोकस होता है मैटरनल हेल्थ पे और चाइल्ड हेल्थ पे, ठीक है ना। तो इसको देखेंगे हम, सोशल इश्यू का पार्ट है, हेल्थ का भी पार्ट है, आपका पेपर टू पेपर वन दोनों में रख सकते हैं। दूसरा जो यहाँ पर टॉपिक है हमारा, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड इनिशिएटिव्स हैं। तो ये हमारे जो मंत्री हैं उन्होंने 2 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में, किसके 2 साल पूर्ण होने के, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी नवीन है उसके 2 वर्ष पूर्ण होने पर नए जो है वहां पर इनिशिएटिव्स लिए कि किस तरीके से और इसको सशक्त किया जा सकता है, लोगों के अंदर और किस तरीके से कौशल विकास किया जा सकता है और उनकी आय में संवर्धन किया जा सकता है। तो इसको देखेंगे, पेपर टू का पार्ट है। इसके बाद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो मनी लॉन्ड्रिंग, जैसे लॉन्ड्री भेजते हैं आप कोई कपड़ा तो गंदा होता है, गंदा कपड़ा जब वहां से साफ होके आ जाता है उसी तरीके से जो इलीगल मनी है जिसका सोर्स इलीगल है ना, जिसका टैक्स वगैरह नहीं दिया गया है ना, और उसका जो सोर्स है वो भी इलीगल है जैसे टेरर फाइनेंसिंग वगैरह होती है, तो उसको चैनलाइज करके डिफरेंट चैनल्स के माध्यम से उसको क्या कर दिया जाता है, वैधानिक बना दिया जाता है। तो उसी को ब्लैक मनी को व्हाइट करके मेन इकोनॉमी में उसको एम्बेडेड करा देते हैं, उसी को लॉन्ड्रिंग बोलते हैं मनी की, ठीक है। तो उसी को रोकने के लिए जो है ये एक्ट लाया गया था, इसको देखेंगे हम लोग, थर्ड पेपर का पार्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आर्टिकल है ये थर्ड पेपर का पार्ट है, टोकनाइजेशन फॉर डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन। सीधी बात है, जब आप लोग शॉपिंग करते हैं तो बार बार वहां पर क्या करना पड़ता है, कार्ड की डिटेल्स और सीवीवी वगैरह वहां पर डालना पड़ता है हमको ट्रांजेक्शन करने के लिए। अब उनको जो है सेव कर लेती थी जो आपकी जो भी कंपनीज हैं, जैसे मान लीजिए अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, तो वहां पर मान लीजिए कभी हैकिंग वगैरह की समस्या हो जाए, साइबर सिक्योरिटी को थ्रेट हो जाए, तो उन डेटा का, उन कार्ड्स का जो है गलत यूज किया जा सकता है। तो उनको रोकने के लिए यहां पर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स बार बार ना भरना पड़े और एक ऐसा स्पेसिफिक टोकन बना दें हम जो अल्फा न्यूमेरिक होगा और उसी का यूज करके हम ट्रांजेक्शन कर पाए, ताकि आगे चल के मान लीजिए कभी हैकिंग वगैरह की प्रॉब्लम हो भी जाए वेबसाइट में, तो जब उनके पास ही जानकारी नहीं होगी, किसके पास, जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, आपके कार्ड के बारे में जानकारी नहीं होगी, टोकन के थ्रू आप उससे कनेक्ट है ना, तो क्या होगा, वहां पर सिक्योरिटी को इनहेंस कर पाएंगे हम, स्ट्रेंथन कर पाएंगे, थर्ड पेपर का पार्ट है। इसके बाद एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 है, इसमें हमको 180 देशों में सबसे बॉटम रैंक मिली है, तो इसको हमारे देश ने जो है इसका क्या किया है,
कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है, आलोचना किया है कि यहां पर जो परफॉर्मेंस का असेसमेंट किया गया है वो प्रैग्मेटिक नहीं है, रियलिस्टिक मैनर में नहीं है, इसलिए हमारी यहां पर रैंकिंग पिछड़ गई है। इसको देखेंगे हम लोग, ये आपका थर्ड पेपर का पार्ट है। तो पहले टॉपिक को अब हम लोग डिटेल में देखेंगे। देखिए यहां पर समझिएगा कि यहां पर जो बताया जा रहा है वो क्या कि देश में मातृ और शिशु स्वास्थ्य लगातार देखते आ रहे हैं हम लोग, और यहां पर ये बताया जा रहा है कि जो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र योजना है उसके अंतर्गत जो एक कॉम्प्रिहेंसिव जो आपका घटक है, ठीक है, वो क्या है कि यहां पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं हमको प्रदान करना है उसमें जो 12 पैकेज है उसमें से एक कंपोनेंट आपका ये भी है, क्या है, मातृ और शिशु स्वास्थ्य, जिसमें गर्भावस्था और प्रसव के संदर्भ में देखभाल की बात की गई है। ठीक, अब इसके संदर्भ में हमारी सरकार ने क्या कदम उठाए हैं उसके बारे में हम लोग यहां पर देख लेते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है कि जो स्टेप्स लिए हैं हमने, सबसे पहली चीज ये है कि जितनी जल्दी डायग्नोसिस हो जाती है किसी भी बीमारी की, है ना, उतनी जल्दी उसको क्या किया जा सकता है, उसका रोकथाम किया जाता है, इसके लिए किया जा सकता है। उसके लिए क्या करेंगे कि जो आपका मान लीजिए कोई भी लेडी प्रेग्नेंट है तो उसके लिए अर्ली डायग्नोसिस, उसका रजिस्ट्रेशन और उसको एक आईडी नंबर जो है इश्यू करेंगे, किस लिए, ताकि मदर और चाइल्ड का जो हेल्थ है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके और उसी के लिए ये प्रोटेक्शन कार्ड वगैरह बनाया जाएगा। इसके बाद यहां पर एंटी नटाल केयर की बात की गई है ना, मतलब गर्भधारण के संदर्भ में प्रसव पूर्व देखभाल की बात की जा रही है ना। तो ये हम कैसे चल रहे हैं, प्रिवेंटिव मैनर में चल रहे हैं, और जहां पर हाई रिस्क वाली प्रेगनेंसीज होंगी, मतलब मान लीजिए कोई प्रेगनेंसी उसमें हाई रिस्क है कि यहां पर किसी तरीके से मां को बच्चे को जो है जोखिम दिख रहा है, तो हम उसको प्रायोरिटी पे रखकर उसको भी उसका भी सुपरविजन करेंगे। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें जो हाई रिस्क वाले हैं इसमें बताया जा रहा है, जैसे मान लीजिए हाइपरटेंशन है ना, जो आप मान लीजिए उसमें गर्भकालीन मधुमेह की बात है, एनीमिया की बात है, एचआईवी की बात है, सिफिलिस की बात है, हेपेटाइटिस बी की बात है, हाइपरथायरॉइडिज्म की बात है ना, तो इसमें क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा कि किसी इस तरीके की जोखिम का संदर्भ तो नहीं है, तो उसके लिए एंटीनेटाल केयर की बात यहां पर की गई है। ठीक, अब यहां पर देखिए जो नेक्स्ट संदर्भ है वो क्या है, यहां पर बताया जा रहा है कि जो उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था है, प्रेगनेंसीज वगैरह है, उसके मामले में जल्द से जल्द जो है वहां पर कम्युनिकेट किया जाए और उसके संदर्भ में त्वरित कार्यवाही भी की जाए। इसके बाद काउंसलिंग वगैरह की भी समस्या जो आती है कि मान लीजिए जागरूकता नहीं है लोगों के पास, है ना, तो उनको काउंसलिंग दिया जाए समस्याओं के संदर्भ में कि कैसे इसका निदान होगा, किस तरीके से आप अपने पोषण को जो है अप टू द मार्क लेवल पर रख सकते हैं, पोषण संबंधी जो भी जानकारियां हैं वो देने के लिए, है ना, उसके संदर्भ में परामर्श देने के लिए जो है यहां पर बात की गई है कि गर्भावस्था के दौरान किस तरीके से आप अपनी हेल्थ को जो है क्या कर सकते हैं, उसका ख्याल रख सकते हैं। इसके बाद यहां पर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को हम फैसिलिटेट कर रहे हैं और बर्थ प्लानिंग को भी हम सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद कुछ योजनाओं के नाम लिए गए हैं, लगातार हम इनको पढ़ भी रहे हैं। पहली सुमन की बात की गई है, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन की बात किया जा रहा है। यहां पर यह है कि एश्योर्ड डिग्निफाइड रिस्पेक्टफुल और क्वालिटी हेल्थ केयर यहां पर प्रोवाइड करना है, वो भी किस संदर्भ में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, नो कॉस्ट में, और मान लीजिए कि कोई यहां पर डिनायल ऑफ सर्विसेज है तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस है, ताकि जो वुमेन है, जो मदर है और जो न्यू बॉर्न बेबी है ना, उनकी हेल्थ को क्या किया जा सके, उनके स्वास्थ्य को क्या किया जा सके, ठीक रखा जा सके, उनकी देखभाल किया जा सके, और आईएमआर हो गया, एमएमआर हो गया, इन सबको कम किया जा सके, नॉर्मल सी चीज है। अब इसके बाद देखिए कि यहां पर जो बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, तो प्रत्येक मंथ की एक तारीख डिसाइड कर लेते हैं, जैसे अभी जो है प्रत्येक माह के 9वें दिन जो है जो भी आपकी प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको जो आपके स्पेशल जो आपके चिकित्सा अधिकारी होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके द्वारा यहां पर गुणवत्तापूर्ण और निःशुल्क जो है आपका प्रसव पूर्व जो है वहां पर जांच वगैरह की व्यवस्था की जाती है। ठीक, अब इसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर मासिक ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस हो गया, है ना, स्वच्छता और पोषण दिवस जो है आपका आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो है इस तरीके की एक क्या है, एक्टिविटी है, आउटरीच गतिविधि है, किस लिए, वही मातृ और शिशु जो आपका हेल्थ है, स्वास्थ्य है, उनके देखभाल के प्रावधान के लिए। इसके बाद यहां पर रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ पोर्टल के नाम से एक क्या है आपका वेब इनेबल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, तो वो प्रेग्नेंट वुमेन्स को जो है और न्यू बॉर्न जो बेबीज हैं उनको क्या करेंगे वहां पर
ट्रैक करेंगे और उनके लिए जो है कंप्लीट सर्विस को प्रोवाइड कर काम करेंगे, जैसे एंटी नटाल केयर हो गई, इंस्टीट्यूशनल आपकी डिलीवरी हो गई, पोस्ट नटाल केयर हो गई, इन सब की बातें यहां पर की गई है। अब अगर आप देखेंगे यहां पर बताया जा रहा है जैसे आउटरीच कैंप्स वगैरह लगाते हैं यहां पर अवेयरनेस के लिए, जो आपके रिमोट एरियाज हैं, दुर्गम क्षेत्र हैं जहां पर आदिवासी लोग निवास करते हैं, है ना, जो आपके समाज की मुख्य धारा से विकास के अलग हैं, ठीक है, तो उनकी जो स्वास्थ्य के देखभाल के संदर्भ में जो सेवाएं हैं उन तक उनकी पहुंच सुनिश्चित हो सके उसके लिए आउटरीच शिविरों का प्रावधान वगैरह किया जाता है। नॉर्मल सा टॉपिक था, डेली हम इसको पढ़ रहे हैं, है ना, तो आप लोगों को वैसे भी आप फैमिलियर हो गए होंगे इसके साथ और इंपॉर्टेंट है ये आपका। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड इनिशिएटिव्स की बात कर रहे हैं, तो यूनियन होम और कॉर्पोरेशन मिनिस्टर जो हमारे अमित शाह जी हैं उन्होंने लॉन्च किया एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड कुछ इनिशिएटिव्स, उनके बारे में बात करेंगे क्योंकि हमने अपनी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके 2 साल जो है कंप्लीट कर लिए, तो उसी को मेमोरेबल बनाने के लिए, उसी को मार्क करने के लिए किया गया। तो जो कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए उसमें जो पहला इनिशिएटिव है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन सेल प्रोग्राम, किस लिए किया गया है इसकी स्थापना, इसकी स्थापना किया गया है टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए, ताकि हम प्रमोट कर सके प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट को, उनकी प्रोसेस को इंस्पायर्ड कर सके और जो हमारे यहाँ भारत में पारंपरिक ज्ञान है ना उसको भी क्या कर सके आगे की ओर ले जा सके, उसको सशक्त कर सके और उसका उपयोग कर सके। इसके बाद 75 भारतीय गेम्स की बात किया जा रहा है, तो जो भारतीय ट्रेडिशनल आपके क्या है स्पोर्ट्स वगैरह हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं भारत की संस्कृति को भी प्रदर्शित करते हैं और रचनात्मकता को भी प्रोत्साहित करते हैं, इसलिए जो है इस इनिशिएटिव को लिया गया है, ठीक है ना। इसके बाद स्वस्थ भारत को भी ये आपका रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद आप देखेंगे कि लॉन्च ऑफ कलाशाला इनिशिएटिव, तो यहां पर बताया जा रहा है कि 750 स्कूलों में जो है इसकी शुरुआत की जा रही है ताकि बच्चों को शिक्षित करने के साथ साथ जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उसके संदर्भ में उनको अवेयर किया जाए और स्थानीय कला को बढ़ावा दिया जाए, है ना, तो यहां पर जो है विभिन्न कला रूपों के बारे में भी बच्चों को जानकारी दी जाएगी, शिक्षित किया जाएगा। इसके साथ इग्नू के साथ यहां पर साझेदारी की गई है ताकि छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके और आजीविका के अधिक अवसर भी उनको प्राप्त हो सके। इसके अलावा आप देखेंगे कि स्किल हब इनिशिएटिव जो आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत है उसको भी यहां पर लाया गया है। उस इनिशिएटिव को क्यों रखा गया है, ताकि यहां पर क्रिएट किया जा सके एक शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट दोनों को एक साथ लेके चले और ऐसे इकोसिस्टम को प्रमोट करना है, है ना, ताकि जो आपके कौशल विकास है वो भी अप टू द मार्क लेवल पे हो सके और उनकी आय में संवर्धन हो सके, उनकी जो जीवन स्तर है उस पर आपका प्रभाव पड़े, किस संदर्भ में, पॉजिटिव डोमेन में, है ना। तो इसके बाद आप देखेंगे कि वर्चुअल लैब्स वगैरह को सेटअप किया जा रहा है जिसके अंतर्गत वोकेशनल कोर्सेज वगैरह को वहां पर प्रोवाइड किया जाएगा, है ना, ताकि जो आपके क्या है स्टूडेंट है उनकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को मोबिलाइज किया जा सके, है ना। इसके बाद यहां पर देश के विभिन्न हिस्सों में जो आपके स्कूली शिक्षा में हो रहे सूक्ष्म सुधारों को प्रोत्साहित किया जा रहा है उसके लिए विद्या अमृत पोर्टल जो है वहां पर बनाया गया है। इसके बाद यहां पर जो आंगनबाड़ी है उसके लिए यहां पर नेशनल इनिशिएटिव लाया गया है कि वहां पर जो आपके स्कूल हेड्स और टीचर है उनकी क्वालिटी में एनहांसमेंट लाया जाए, उन्हें जो है ट्रेंड किया जाए, वो जो है आपके क्या हो कुशल हो, ताकि जब वो कुशल होंगे तभी तो वो स्टूडेंट्स को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, है ना, आंगनवाड़ी वगैरह के संदर्भ में बात करें। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की बात करेंगे, तो यहां पर देखिए जो हमारा सुप्रीम कोर्ट था उसने जो इसके आपके कठोर प्रावधान थे उसको बनाए रखा है और यहां पर जो बताया जा रहा था कि इससे पर्सनल लिबर्टी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा नहीं हो रही है, है ना, तो ये जो है वो वैसा का वैसा ही है जजमेंट, इसको देख लेते हैं, ये कंटेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको देखना है कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। तो सीधी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भैया जो ईडी की पावर है कि वो अरेस्ट भी कर सकेगी, सर्च भी कर सकेगी, अटैच भी कर सकेगी, प्रॉपर्टी को सीज भी कर सकेगी, है ना, मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस जो है आपका उसके अंतर्गत जो आपका मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2003 का, तो वो बरकरार रखा उसको। और ये बताया गया है यहां पर कि जो यहां पर मान लीजिए कोई अपराधी होता है जिसके ऊपर अपराध जो है वो सिद्ध होने वाला हो, है ना, या दोष सिद्ध हो गया हो, तो वहां पर जो है यहां पर दो चीजें बनाई गई है, एक तो जमानत के जो प्रावधान है उसको बहुत कठोर रखा गया है, दूसरी चीज ये कि यहां पर वो निर्दोष है जिसके ऊपर दोष लगा हुआ है दोषी व्यक्ति के ऊपर, है ना,
तो अगर वो निर्दोष है तो उसको निर्दोष साबित करने का भी जो दायित्व है उसी के ऊपर रखा गया है। मतलब यहां पर रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वहां पर रखा गया कि अगर वो इनोसेंट भी है तो उसी के ऊपर ये बर्डन है कि वो प्रूव करे। ठीक है, तो इसको भी बरकरार रखा है हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। इसके बाद यहां पर ये भी बोला गया है कि इसी जजमेंट से अपहोल्ड किया है कि जो 2017 का हमारा जजमेंट था है ना, जिसमें बोला गया था कि ये जो आपका रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ है ना, किसके लिए, बेल के लिए है ना, जमानत चाहिए तो भी आपके ऊपर जो है आपका दबाव है कि जो आदमी वहां पर जिसके ऊपर ये आरोप लगा है वही ये प्रूफ करे भैया कि वो इनोसेंट है अगर उसको बेल चाहिए है ना, तो इसको बनाए रखा है। तो यहां पर कोर्ट ने ओवर रूल किया अपने ही जजमेंट को जो निकेश ताराचंद साह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था, जिसमें बोला गया था इस चीज को कि भैया ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन अब कोर्ट ने बोला नहीं ये ठीक है आपका और उसी को जो है बनाए रखा है। किस संदर्भ को, कि अभी भी जो है रिवर्स बर्डन होगा आपके ऊपर, प्रूफ करना पड़ेगा आपको कि आप इनोसेंट हो तभी आपको बेल मिलेगी। अब मनी लॉन्ड्रिंग मैंने पहले ही बताया कि ये एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसके अंतर्गत जो इलीगल प्रॉफिट होता है, रेवेन्यू होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का या इंडिविजुअल का भी हो सकता है ना, जो आपका कैसा इलीगल मनी है, ब्लैक मनी है ना, जिसका सोर्स इलीगल है, तो उसको चैनलाइज करके उसको क्या करते हैं, उसको एक नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसी को बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। और इसमें जो आय का ओरिजिनल सोर्स है उसको छिपा लिया जाता है, तभी तो उसको एक नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या किया जाता है कि बहुत सारे ट्रांसफर किए जाते हैं, डिफरेंट चैनल्स का यूज करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स वहां पर बना देते हैं ट्रांसफर को और ट्रांजेक्शन को, ताकि लोगों को समझ में ही नहीं आए, है ना, तो समझ में नहीं आएगा तभी तो जो दो नंबर का पैसा उसको एक नंबर में कन्वर्ट करेंगे, जैसे टेरर फाइनेंसिंग वगैरह हो गया। तो ये कहीं ना कहीं हमारी नेशनल सिक्योरिटी पर भी ऋणात्मक प्रभाव डालता है, इसलिए यहां पर जो है कठोर प्रावधानों का यहां पर संदर्भ रखा गया है। अब इसके बाद जो इस एक्ट का उद्देश्य तो क्या है, तो सीधी बात है प्रिवेंट करना है मनी लॉन्ड्रिंग को। इसके बाद जो इसके चैनल्स हैं, जो इसके सोर्स हैं, उनसे क्या करना है हमको, उनकी रोकथाम करना है, जो भी इकोनॉमिक क्राइम्स है उनको रोकना है। उसके बाद मान लीजिए कि जो भी संदर्भ या जो भी संपत्ति इसमें यूज की जा रही है ना मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, और जहां से भी यहां पर इनकम जो है इस तरीके की प्राप्त हो रही है मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में, है ना, ब्लैक मनी वगैरह हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह हो गया, तो उस संपत्ति को यहां पर जब्ती वगैरह का भी प्रावधान किया जा सकता है ना, ईडी वगैरह के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। और ऑफेंसेस की बात करें तो पार्ट ए में यहां पर एनलिस्ट किए गए हैं कुछ ऑफेंसेस है ना इस एक्ट के अंतर्गत, जिसमें आईबीसी, नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, एंटीक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजरीज एक्ट है, कॉपीराइट एक्ट है, ट्रेड मार्क एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, आईटी एक्ट है। आपका पार्ट बी में बात करें तो जो एक्ट ने स्पेसिफाई किया है पार्ट ए में ऑफेंसेस वो तो है ही है, और उसके अंतर्गत वो शामिल है यहां पर अपराध जिनकी वैल्यू 1 करोड़ या उससे अधिक हो। और पार्ट सी जो है एक्ट का वो डील करता है ट्रांस बॉर्डर क्राइम से, ठीक है ना, और ये जो है आपका रिफ्लेक्ट करता है हमारे डेडिकेशन को कि हम टैकल करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग को जो ग्लोबल बाउंड्रीज के अंतर्गत संचालित किए जा सकते हैं, किए जाते हैं। इसके बाद अथॉरिटीज की बात करें तो ईडी काम करता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत वो रिस्पॉन्सिबल है इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी इस तरीके के अपराधों को, है ना, जो आपके मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत रखे गए हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि यहां पर जो है आपका मान लीजिए कोई संपत्ति का यूज किया जा रहा है इस तरीके की आय का अर्जन करने के लिए, तो संपत्ति की कुर्की, जब्ती, ये सब कार्यवाही भी ईडी करता है, ठीक है। और यहां पर जो है आपका जो भी डिफाइन किया गया है जिन एक्ट्स को यहां पर इस अधिनियम के अंतर्गत जिसको क्राइम के अंतर्गत रखा गया है वहां पर जो भी एक्शंस वगैरह वो ईडी लेता है, आप लोग को पता होगा, और ईडी यहां पर मुकदमा वगैरह भी चला सकता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जिसको बोला जाता है, ठीक है। अब यहां पर समझिएगा, प्रवर्तन निदेशालय हिंदी में बोलते हैं। अब इसके बाद जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये आपका इंडिपेंडेंट बॉडी, रिपोर्ट करता है डायरेक्टली इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को, जो आपका चेयर किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, है ना, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है इसको चेयर, और उसको ये डायरेक्टली वहां पर क्या करती है,
ये स्वतंत्र निकाय है और वहां पर डायरेक्टली रिपोर्ट करती है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो आपका फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, ये आपका सेंट्रल नेशनल एजेंसी है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, रिसीव करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, एनालाइज करने के लिए किस तरीके की इंफॉर्मेशन की जो आपके सस्पेक्टफुल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होंगे। यहां पर क्वेश्चन दिया गया है, इसको जरूर लिख के दिखाइएगा। अगर आप लोगों को यहां पर कमेंट बॉक्स में लिखने में प्रॉब्लम होती है आंसर, तो आप लोग टेलीग्राम के चैनल पर भेज सकते हैं, है ना, आप A4 साइज के पेपर में लिख सकते हैं, उसकी पिक खींच के वहां पर भेज सकते हैं और वहां पर रिव्यू किया जाएगा जैसे ही समय मिलेगा, है ना। आप लगातार लिखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करिए, क्योंकि यही तो मोटिवेशन है हमारी पूरी टीम के लिए, है ना, इतना तो मतलब बनता है। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट यहां पर टॉपिक है, टोकनाइजेशन की बात करेंगे। डेबिट क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन बिल्कुल सिंपल सा है, जो यहां पर साइबर सिक्योरिटी को थ्रेट है, जैसे डेटा वगैरह हैक हो जाता है, वहां पर किसी तरीके का फाइनेंशियल क्राइम को अंदाज मतलब अंजाम दिया जा सकता है, तो उसको रोकने के लिए इस तरीके के सिक्योरिटी प्रोविजन को हमने जो है अपनाया है। तो आरबीआई ने बोल दिया कि इसकी जो डेडलाइन है अब वो अक्टूबर 1 कर दी गई है, है ना, 1 अक्टूबर की समय निर्धारित की गई है अभी 2022 में। अब 2019 में आरबीआई ने रिलीज कर दिया था गाइडलाइंस कि भैया टोकनाइजेशन किया जाए डेबिट और क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन के लिए, इससे जो है सेफ्टी सिक्योरिटी जो है पेमेंट सिस्टम में वो बढ़ जाएगा। इसी के संदर्भ में सितंबर 2021 में आरबीआई ने जो है जो मर्चेंट्स हैं Amazon, Flipkart, है ना, तो इनको प्रोहिबिट कर दिया कि आप कस्टमर कार्ड कस्टमर जो है उनके कार्ड की डिटेल्स वगैरह को स्टोर नहीं कर पाएंगे, और ये जो है इफेक्टिव हो जाएगा 1 जनवरी 2022 से। तो बोले ठीक है भैया ऐसा हो जाएगा। तो अब उसके बाद यहां पर बताया गया की पॉइंट की बात बताई जा रही है, की पॉइंट यहां पर बताया जा रहा है, यहां पर जो एक्सटेंड कर दी गई है टाइम लिमिट वो 1 अक्टूबर 2022, ये याद रखिएगा। की पॉइंट ये है कि सबसे पहली चीज ये कि जब आप शॉपिंग करते हैं वहां पर मान लीजिए अपने कार्ड की डिटेल डालते हैं, तो बार बार पूरी डिटेल सीवीवी वगैरह डालना पड़ता है, तब ओटीपी आता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, तो ये जो आपकी जानकारी होती है जब आपके मर्चेंट के पास सेव हो जाएगी तो उसका दुरुपयोग हो जाएगा, है ना, दुरुपयोग हो सकता है वहां पर। तो इसी को रोकने के लिए वहां पर टोकनाइजेशन की व्यवस्था की गई कि एक स्पेसिफिक अल्फा न्यूमेरिक आपको कोड दिया जाएगा, है ना, और वही जानकारी टोकन के रूप में किसके पास होगी, मर्चेंट के पास। तो मान लीजिए अगर कभी हैकिंग वगैरह भी हो जाएगी तो आपके कार्ड के कार्ड दुरुपयोग नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि जब ये अपने पास आपके कार्ड की डिटेल जो है संग्रहित कर लेंगे तो उस पर क्या होगा कि ये प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी कि कभी भी जो है वहां पर उसका दुरुपयोग वगैरह किया जा सकता है। ठीक, अब ये टोकनाइजेशन है क्या, तो ये रिप्लेस कर देगा, है ना, जो आपके कार्ड की जानकारी है, अकाउंट नंबर की जो जानकारी है, है ना, उसको किससे रिप्लेस करेगा, यूनिक अल्फा न्यूमेरिक टोकन। अब यही जो अल्फा न्यूमेरिक टोकन होगा यही कम्युनिकेशन का एक चैनल बन जाएगा ट्रांजेक्शन के लिए, यही चीज जो पता होगी वो किसको, मर्चेंट को, और मर्चेंट इसको सेव कर सकता, अगली बार जब आप कभी ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसी के थ्रू कर पाएंगे, तो आपके कार्ड की डिटेल्स वहां पर नहीं पहुंचेगी, है ना। ठीक है, अब यहां पर ये पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल की तरह जो है ये काम करेगा, ठीक है ना, कार्ड डिटेल्स वगैरह वहां पर नहीं जाएंगी। अब आप देखेंगे डेटा लोकलाइजेशन, इस सब के मुद्दे EU वगैरह में, यूरोप में, वेस्टर्न कंट्रीज में भी चल रहा था, तो हमारे यहां साइबर सिक्योरिटी को थ्रेट भी जो है काफी सारे डायमेंशन से है, इसलिए इस तरीके की सिक्योरिटी पर्पस को जो है हम क्या कर रहे हैं, मोबिलाइज कर रहे हैं, सिक्योरिटी जो भी आपके सुरक्षा से संदर्भित सिक्योरिटी प्रोविजन है उनको और ज्यादा इनहेंस कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर ये बताया जा रहा है कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम जब भी शॉपिंग करेंगे तो आप उसी टोकन का कंप्लीट यूज कर पाएंगे और उसी के थ्रू अपने ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, अब एक कार्ड के लिए एक टोकन जो है नंबर जो है वो क्या होगा, लिमिटेड होगा ऑनलाइन पोर्टल में, एक कार्ड के लिए एक टोकन। ठीक है, अब इससे सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, कस्टमर्स की कन्वीनियंस भी बढ़ जाएगी, बार बार उनको कार्ड की डिटेल्स ये वगैरह नहीं डालना पड़ेगा, है ना, और यहाँ पर जो अकाउंट नंबर और जो आपके अकाउंट की डिटेल्स है वो भी मर्चेंट के पास सेव नहीं रह पाएगी। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि मान लीजिए कभी टोकन हैक वगैरह भी हो जाए तो वहां पर खाते वगैरह की जानकारी नहीं मिलेगी, तो आपके ऊपर किसी तरीके का जो आपके अकाउंट में ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा वो नहीं पड़ पाएगा, यहां से उसको हम रोक ले जाएंगे। अब यहां पर जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल बिल्कुल कॉन्टेक्चुअल टॉपिक है कि भैया एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स आया है, इसमें जो हमारी रैंकिंग है 180 देशों में सबसे बॉटम में है, और ये जो आपका इंडेक्स है ये कौन निकालता है ये पता होना जरूरी है, तो ये येल और जो आपकी कोलंबिया यूनिवर्सिटी है वो इसको निकालती है। अब हमारी जो मिनिस्ट्री है उसने इसको बोला है कि भैया इसकी आलोचना की है, बोला है कि इसमें जो इंडिकेटर्स यूज किए गए हैं असेसमेंट के लिए वो क्या है, आपकी निराधार मान्यताओं पर
आधारित है, उनका कोई प्रैग्मेटिक बेस नहीं है। अब रैंकिंग का उद्देश्य क्या है, तो रैंकिंग का उद्देश्य यही होगा कि इसमें क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स बना के जो है असेसमेंट किया जाता है ना, प्रोवाइड किया जाता है क्वांटिटेटिव जो आपके क्या है मैट्रिक्स, ताकि किसी भी देश के एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस का हम असेसमेंट कर सके। उसमें डिफरेंट डिफरेंट आपके क्या है इंडिकेटर्स है, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है, उनके हिसाब से यहाँ पर इशू की जाती है रैंकिंग वगैरह। इसमें 11 जो है कैटेगरीज में जो है इसको इशू किया जाता है ना इंडिकेटर्स को, ठीक। तो एयर क्वालिटी, सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर, हैवी मेटल्स, वेस्ट मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड हैबिटेट, इकोसिस्टम सर्विसेज, फिशरीज है, क्लाइमेट चेंज है, पोल्यूशन है, एमिशन है, एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्स है, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे कि ये कैटेगरीज जो है ट्रैक करती है किसको, परफॉर्मेंस को, प्रोग्रेस को, दो ब्रॉडर किसमें बेसिस पे पॉलिसी के जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, है ना, क्या है, पहला तो एनवायरमेंटल हेल्थ, दूसरा इकोसिस्टम वाइटैलिटी, ठीक, याद नहीं करना है इसको, ठीक है। इसके बाद यहां पर यह बताया जा रहा है कि इसके द्वारा जो है विभिन्न देशों के बीच में तुलना की जाती है, और फिर उसके बाद परफॉर्मेंस पता चलेगा, तो जो क्लाइमेट चेंज का इशू है उसको भी तो हम एड्रेस कर पाएंगे। या भारत की पोजीशन की बात करें तो 180 रैंक है हमारी, पहले 168 थी, तो और भी ज्यादा गिर गई है हमारी रैंक यहां पर। हमारी रैंकिंग पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम और म्यांमार से भी ज्यादा खराब है, उससे भी नीचे है। डेनमार्क ने यहाँ पे टॉप किया है, स्वीडन कंट्रीज के अंतर्गत वो भी आता है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा कि डिफरेंट डिफरेंट जो आपके यहाँ पर जैसे लिखा गया है कि बायोडायवर्सिटी हैबिटेट इंडेक्स में, है ना, इकोसिस्टम वाइटैलिटी में इतनी रैंकिंग है, याद नहीं करना है हमको, ठीक है, एक बार बस रीडिंग मार लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है ये। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो रिपोर्ट है उसमें यह भी बताया गया है कि भारत की जो रैंकिंग है जिसमें हमने स्कोर किया है लो किया है, तो रूल ऑफ लॉ में भी, कंट्रोल ऑफ करप्शन में भी और गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस में भी, है ना, इस रिपोर्ट के हिसाब से वहां पर भी हमारा प्रदर्शन खराब है। अब यहां पर ऑब्जेक्शंस क्या है इंडिया के, तो भैया सीधी बात है, हमारे भारत देश ने बोला है कि यहां पर जो असेसमेंट के लिए इंडिकेटर्स लिए गए हैं वो एक तो प्रैग्मेटिक नहीं है, अनसाइंटिफिक मैथड है यहां पर, है ना, सैंपलिंग के लिए जो आपने मैथड यूज की है वो अनसाइंटिफिक है, यहां पर ये बोला जा रहा है, और यहां पर जो संकेतक है वो आपके धुंधली गुणवत्ता वाले हैं, ठीक, और यहां पर आधारभूत आंकड़ों का उपयोग नहीं किया गया है, जिन संकेतकों को महत्व दिया गया है उसका स्पष्टीकरण भी यहां पर नहीं दिया गया, उसके अलावा यहां पर इंडिकेटर जो बहुत सारे उनका वेटेज भी जो है वो शिफ्ट किया गया है, ऐसा बोला जा रहा है। अब शिफ्ट किया गया का मतलब क्या, कि जैसे यहां पर बताया जा रहा है एग्जांपल के लिए कि जैसे ब्लैक कार्बन ग्रोथ है ना, वहां पर इंडिया ने एक्चुअली जो स्कोर किया है वो इंप्रूव हुआ, 32 2020 से 100, मतलब मान लीजिए टॉप स्कोरर है हम वहां पर, ठीक है ना, 2022 में हमने 100 स्कोर किया है, लेकिन इसका वेटेज कम कर दिया गया है, ठीक है ना, 2020 में 0.018 था, अब ये 0.0038 हो गया। इसके बाद बोला जा रहा है जैसे ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन से संदर्भित जो आपका डेटा आपने लिया है ना, उसमें इन्होंने जो आपका लॉन्गर पीरियड, लंबी अवधि, अक्षय ऊर्जा क्षमता, उपयोग की सीमा, अतिरिक्त कार्बन सिंक, ऊर्जा दक्षता, इन सबको क्या कर रहा है, क्या किया है, ध्यान में रखा है, लेकिन मॉडलिंग के बजाय पिछले 10 वर्षों को यूज किया है इन्होंने, ठीक है ना, यहां पर लास्ट जो 10 इयर्स है उसके एवरेज रेट को इन्होंने यहां पर क्या किया है, असेसमेंट किया है, उसको असेस किया है, उसके आधार पर उसको निकाला है। कहने का मतलब आपको समझ में आया कि जो ड्यूरेशन लिया है इन्होंने सैंपलिंग के लिए, है ना, जो प्रोजेक्शन किया है ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन के लिए, तो इन्होंने एवरेज रेट ले लिया है लास्ट 10 इयर्स का, है ना, इन्होंने कोई जो है मॉडलिंग के लिए जो आपका डेटा वगैरह लिया लॉन्गर पीरियड को यूज नहीं किया गया है इसमें, है ना, ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सा पॉइंट है ना, और ये हमको रटना नहीं है पहली चीज, इस पे जो है आपका स्पेसिफिक जो है अलग से क्वेश्चन नहीं बनेगा, इस चीज को आप समझिएगा। इसके बाद यहां पर बोला गया है कि जैसे आपका क्रूशियल कार्बन सिंक्स है जो मिटिगेट करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस को, जैसे फॉरेस्ट आपका है, कार्बन कैप्चर करने वाला जो आपका फॉरेस्ट वगैरह होता है, कार्बन कैप्चर ही तो करते हैं ये लोग, ठीक है, तो इसके अलावा वेटलैंड्स वगैरह है, इन सबको ध्यान में नहीं रखा गया है, ठीक है, और विकसित देशों के जो उच्च ऐतिहासिक उपाय हैं उनके विपरीत जो भारत ने कम करने के लिए, उत्सर्जन को कम करने के लिए उपाय अपनाए हैं उसको नजरअंदाज किया गया। ये सब हमने यहाँ पर ग्राउंड दिया है, नॉर्मल सा टॉपिक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फेज है वो एमसीक्यू से रिलेटेड है, और एमसीक्यू में यहाँ पर जो पहला एमसीक्यू है उसमें बताया जा रहा है कि जो ड्रॉट है ना, देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए, बताना है कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि मीटरोलॉजिकल जो ड्रॉट होता है उसको क्या बोला जाता है, मौसम संबंधी जो सूखा है उसको किस तरीके से डिफाइन किया गया है, कि किसी भी क्षेत्र में मौसम में जो वर्षा होती है वो औसत से कम हो, ठीक है,
तो इसको बोलते हैं मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट। इसके बाद पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा जो है हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट का मतलब ये होता है डिप्लीशन ऑफ सरफेस वाटर, दूसरा भी स्टेटमेंट ट्रू है। तीसरा ये एग्रीकल्चरल ड्रॉट का मतलब ये होता है कि जो सॉइल में मॉइस्चर है वो इनएडिक्वेट है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, सही बताना था। तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कृषि जनगणना के बारे में स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि इसको लॉन्च किया है किसने, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि ये जो जनगणना होगी 2021-22 की वो 11th नंबर की एग्रीकल्चरल सेंसस है, बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये कि इसको प्रति 5 वर्ष में कंडक्ट किया जाता, बिल्कुल ठीक है। और चौथा ये कि 11वीं जो कृषि जनगणना का क्षेत्र कार्य होगा वो आपका, मतलब ये जो कार्य स्टार्ट हो रहा है वो आपका अगस्त 2022 में स्टार्ट होगा फील्ड वर्क, बिल्कुल ठीक है। चारों के चारों स्टेटमेंट और सही ही बताना था। तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव सी हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।